आसमान गिरा, द स्काई फेल। किसी भी बात की सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। कहीं सुनी बात पर विश्वास करना कभी कभी हमें दूसरों के सामने शर्मिंदा कर देता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड थिंग्स। Sometimes we feel embarrassed in front of others when we have believed in something which is just hearsay. एक दिन छोटा चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़की और उसी के साथ चूजे के सिर पर कुछ गिरा। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजा घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे को तेजी से भागते देखा। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहा यह सुनकर घबरा गया। वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे भागने लगा। आगे जाने पर एक खरगोश मिला। खरगोश ने जब यह सुना तो वह भी घबरा कर भागने लगा। अब आगे चूजा था, पीछे चूहा, फिर खरगोश। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उन्हें भागते देख उसने पूछा, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई और वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी एक हाथी ने देखा कि चूजा, चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया। वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते एक गुफा के सामने शेर मिला। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? चूजा बोला, महाराज आसमान टूट कर गिर रहा है, मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। शेर ने हैरानी से कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्यों, और किसी ने आसमान को गिरते हुए देखा है? चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने न में सिर हिलाया। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा हमें वहाँ ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। चूजे के साथ सब आम के पेड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ केवल एक आम ही पड़ा था। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं था, वह यही आम था। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे।